स्टार अंकिता लोखंडे को क्यों किया गया ट्रॉल? क्या फिर बागी के सीक्वल में दिखेंगी अंकिता? नमस्कार, मूवीज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स का पिटारा बॉलीवुड स्टूडियोज में आपका स्वागत है। बागी 3 की को स्टार्स में से एक अंकिता लोखंडे तो आपको जरूर याद होंगी, जिन्होंने श्रद्धा कपूर की बहन का रोल निभाया था। फिल्म के एक और पार्ट के आने की खबर काफी जोरों शोरों पर है और एक बार फिर टाइगर एक्शन की दुनिया में अपने जलवे दिखाएंगे। वहीं हाल ही में अंकिता लोखंडे का एक बार फिर फिल्म के फोर्थ सीक्वल में नाम जुड़ता नजर आ रहा है। बस देखना यह रह गया है कि ये खबर कितनी सही है। अंकिता को इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रॉल किया जा रहा है। बीते 14 दिसंबर को अपनी फैमिली और दोस्तों की मौजूदगी में अंकिता ने अपने बॉयफ्रेंड विक्की जैन के साथ धूमधाम के साथ शादी की थी। विक्की और अंकिता काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। अंकिता ने शादी से पहले और बाद की कई तस्वीरें और वीडियोस को सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो कई लोगों को रास नहीं आ रहा है। कई सोशल मीडिया यूजर्स अंकिता की आलोचना कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को एक्ट्रेस ने जलनखोर कहा है। अंकिता लोखंडे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, आए दिन अपने हस्बैंड विक्की जैन की फोटो शेयर करती रहती हैं। तो जहां फैंस खुश होते हैं और उन्हें सक्सेसफुल मैरिज के लिए बधाई देते नजर आते हैं, तो वहीं कुछ लोग उनकी बुराई करते नजर आए। ऐसे सवालों पर अंकिता ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि मेरी शादी है, मैं फोटो नहीं डालूंगी तो कौन डालेगा। अंकिता ने कहा कि कुछ लोग इतने जलनखोर और नेगेटिव होते हैं कि उन्हें दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। पवित्र रिश्ता फेम एक्ट्रेस ने अपनी न्यूली मैरिड लाइफ के बारे में बात करते हुए कहा कि मेरे हस्बैंड विक्की जैन और मैं काफी समय से दोस्त हैं, अब भी हम पहले जैसे अच्छे दोस्त ही हैं। फर्क इतना है कि अब शादी करके हम हस्बैंड और वाइफ के रोल में आ गए हैं। इसके अलावा अंकिता ने बोल्ड सीन या इंटिमेसी वाले सीन पर कहा था कि मैं वही हूँ जो मैं हूँ और ये हमेशा मेरी ही पसंद रही है। बात करें फिल्म बागी 4 को लेके, तो बता दें कि फिल्म की शूटिंग इस साल मई में शुरू हो सकती है। इस फिल्म के सीक्वल में अंकिता पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रोल में दिखने वाली हैं, जिसमें माना जा रहा है कि वो बागी 4 में एक विलन के रोल में दिखेंगी और वो टाइगर से इश्क करेंगी, लेकिन टाइगर किसी और से, जिसको अंकिता बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी और एक विलन की तरह रिवेंज लेंगी। तो गाइस, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।